हाई गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ वानी एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक साड़ी से दो या तीन टाइप के ड्रेसेस बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। एक स्कर्ट बनाकर दिखाऊंगी और दो फ्रॉक स्टाइल ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और येस आपकी साड़ी कट नहीं होने वाली है, ना ही स्टिच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नो कट नो स्विंग ड्रेस है ये। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने ये इलास्टिक बैंड यूज़ किया है। अगर आपके पास इलास्टिक बैंड है तो आप इस तरीके से उसको स्टिच करके यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके किसी भी पुराने प्लाजो वगैरह में, पैंट वगैरह में इस तरीके के इलास्टिक मिल जाते हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं, जो कि बहुत पुराने हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो आप उनका निकाल कर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, इस तरीके से आपको अपनी साड़ी लेनी है और इस तरीके से प्लीट्स बना लेनी है और प्लीट्स बनाकर अंदर टक करते जाना है, ठीक है। इस साड़ी में पल्लू के साइड में एक ब्लैक कलर का बॉर्डर भी है थोड़ा सा, तो उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है ताकि हमारा जो भी लुक आए थोड़ा अच्छा आए और उस ब्लैक कलर की वजह से ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इवन साड़ी प्लीट्स बना लेनी है एकदम बराबर करके, ठीक है, और ऐसे बनाते जाना है। बाय द वे, ये पोल्का डॉट साड़ी है एंड कॉटन की है। कॉटन मलमल फैब्रिक है इसका एंड काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका। आप चाहो तो इस तरह की कॉटन की साड़ी से भी इस तरीके से बना सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह के ड्रेसेस खुल जाते हैं, तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ, जो कि अंदर के साइड से इलास्टिक से लेकर और इलास्टिक के साथ फैब्रिक को इस तरीके से पिन से सिक्योर करती जा रही हूँ, तो ये निकलेगा नहीं जल्दी से, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से पिंस का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया अभी। अब यहाँ पर आपको टर्न कर लेना है, इस तरीके से टर्न कर लेना है, ठीक है। पिन लगा लेंगे तो आपको टर्न करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिना पिन लगी हुई जो प्लीट्स होती है उनको हम टर्न करते हैं ना तो सारी प्लीट्स ख़राब हो जाती हैं, बट आप पिन लगा कर टर्न करोगे तो वो सारी प्लीट्स अपनी जगह पे ही रहेंगी, तो आप पिन लगाना बिल्कुल मत भूलना और ये निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो हमारे दो दो काम हो जाएंगे इसमें। एंड यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ सारी प्लीट्स को, एंड वापस से एक बार मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर सेफ्टी पिन लगा लूँगी। ये साड़ी अगर आप लोगों को परचेस करना है, तो मैंने ये साड़ी जो है मीशो से परचेस करी थी, तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर मीशो में कोड डालेंगे वो, तो आपको सेम ये साड़ी दिख जाएगी, ठीक है, सेम कैटलॉग दिख जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो इस तरह की साड़ी, ठीक। में ब्लाउज़ भी था, ब्लैक कलर का ब्लाउज़ था, तो वो मैंने हटा दिया है ब्लैक कलर का ब्लाउज़। एंड इस तरीके से आपका एक राउंड पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा और इसको भी आप पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड ये जो साइड वाला जो बचा है ना, इसको हम क्या करेंगे, अंदर से यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, ताकि इसको इसका कहीं से भी खुलने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक बेल्ट यूज़ की है और बस कंप्लीट है आपका लुक। एंड इस बेल्ट का भी बहुत सारे लोग लिंक मांगते हैं, तो ये बेल्ट मैंने सीन से ली थी, बट सीन तो अभी बैन हो गया है, बट सेम टाइप की मैंने बेल्ट, सेम तो नहीं बट मिलती जुलती मैंने उस पर मीशो पे देखी थी, तो हो सकेगा तो उसका भी बेल्ट का मैं आपको कोड डाल दूंगी उस पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पर जाके।
देन सेकेंड स्टाइल में मैं यहाँ पर जो अपना मैं हमारा जो कॉर्नर वाला एरिया था जो हमने क्लोज किया था उसको वापस से ओपन कर लेना है, पूरा नहीं, बस आपको अपने आर्म के नीचे वाला ओपन करना है एंड वन शोल्डर में अपने इस तरीके से हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। नया पानी दे दो बेटा इसको। अब यहाँ पर हम छोटी सी एक नोट बना लेंगे ताकि अपने शोल्डर पर अच्छे से रख पाएँ, छोटी सी ही नोट बनाएंगे एंड इस तरीके से अपने हाथ को अंदर से डालते हुए इस तरीके से शोल्डर पर रख लेंगे एंड ये जो अपना जो पोर्शन है खुला हुआ इसको भी सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे बाप। एंड ये हमारा एक और ड्रेस रेडी हो गया। इस ड्रेस को टीनेज गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है एंड जो मेरी एज की लड़कियां हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। एंड यहाँ पर मैं एक और स्टाइल बता रही हूँ, मेरे पास सेम कलर का एक दुपट्टा है इस तरीके से पोल्का डॉट का, तो मैंने इसको भी ट्राई किया एंड जैसा कि आप देख रहे हो अपने नेक के अराउंड मैंने इसको बांध लिया है एंड उसके अंदर से आपको जो नीचे वाला फॉल होगा जो फैब्रिक होगा उसके अंदर से आपको टर्न करके इस तरीके से ले आना है एंड बेल्ट ऐड करके ये भी लुक कंप्लीट हो जाता है। एंड मैंने यहाँ पर एक इसको स्कर्ट स्टाइल में भी वियर किया है, आपका जितना भी जो हमने ऊपर ड्रेप किया था ना उसको नीचे स्कर्ट की तरीके से पहन लेना है एंड लुक कंप्लीट। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।